केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ जहां दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार 53 दिनों से किसानों का संघर्ष जारी है, वहीं इस आंदोलन का समर्थन देने के लिए संविधान चौक पर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह समझ में नहीं आता है कि बिना मांगे इस तरह का कानून लागू करने के लिए मोदी सरकार इतनी अड़ियल क्यों है। एक ओर इस सर्द के मौसम में प्रकृति की मार झेलकर किसान आंदोलन कर रहे, वहीं केंद्र सरकार सत्ता का मजाक चख रही है। भविष्य में इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। यदि तुरंत प्रभाव से काले कानून वापस नहीं लिए गए तो शहर में भी आंदोलन की श्रृंखला शुरू करने की चेतावनी आंदोलनकर्ताओं ने दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर। आज हमारा मोर्चा जो संविधान चौक पे आया हुआ है नागपुर में, इसमें सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोगों ने शिरकत की है और ऐसे आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर काफी जगह ये आंदोलन चल रहे हैं। ये जो 3 काले कानून बनाए हुए हैं, बनाए नहीं थोपे गए हैं मोदी सरकार द्वारा, और जो हमारे पंत प्रधान हैं, ये जो कुछ घराने हैं देश के, उनके हाथों की कठपुतली बन के रह गए हैं और उन्हीं के बोलने के और उन्हीं के इशारों के ऊपर ये जो कानून है ये थोपे गए हैं, जिसकी तैयारी ये पिछले 3-4 साल से शुरू थी। जो उन्होंने ऑलरेडी गोडाउन बना चुके हैं, बिग बाजार की चैन पूरी रिलायंस वालों ने खरीदी हुई है अंबानियों ने। आज जो सरकार मतलब किसान जो गेहूं 18-20 रुपए में बेच रहे हैं, वो आज ही रिलायंस के मॉल में आपको 40-50 रुपए मिल रही है। हमारा किसानों के साथ में साथ देने का ये मकसद है, क्योंकि ये किसानों को ये कानून बाद में मारेंगे, पहले आम आदमी जो आम पब्लिक है उसकी जेब के ऊपर इसका असर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा।